मीटिंग से आप सब बहुत आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम अभी जा रहे हैं मेघामार, तो हमारे साथ आप लोग भी चलिए। तो आज हम जा रहे हैं मेगा मार्केट, सुपर मार्केट। वहाँ ये है फूड स्ट्रीट सुफेर का, और यहाँ पे वीकेंड्स के टाइम में काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलता है। कि यहाँ पे ये है कि यहाँ स्ट्रीट में बहुत सारे स्वीट शॉप हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंडियन शॉप भी है, मोती में है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे स्वीट्स के भी शॉप हैं। हाँ तो क्या ही बोले, ये तो बहुत अच्छा ही लगता है, ग्रीनरी ग्रीनरी देखने को मिलता है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड पे है स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप। अब हम पहुंच गए मेगा मार्ट, और ये ग्राउंड फ्लोर है, उसमें बहुत सारे शॉप्स हैं, जैसे स्वीट शॉप है साथ साथ और ज्वेलरी शॉप है। तो बस हम जा रहे हैं। मैं बाहर में ही कुछ ऑफर्स के सामान लगे होते हैं, जैसे नाइफ था, बॉटल्स थे, टिफ़िन बॉक्स थे, और साथ साथ कपड़े लगे थे। जो भी ऑफर के सामान रहते हैं वो सब बाहर में ही लगते हैं। आपको तो दिखाती हूँ कि यहाँ पे शुगर फ्री है, शुगर फ्री 300+60 पील्स हैं, जो कि है 200 फील्स का, जो कि इंडियन प्राइस होगा 440 रुपीज़ का। बहुत सारी इंडियन ग्रॉसरीज मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे मसूर दाल का मैं प्राइस बताती हूँ आपको कि 675 फील्स का है, जो कि हमको इंडियन रुपीज़ में पड़ेगा 135 रुपीज़ पर के जी। आपको पोहा का प्राइस है 475 फील्स, जो कि इंडियन रुपीज़ में पड़ेगा हमको 85 रुपीज़ पर के जी। सॉल्ट का पैकेजिंग बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। देखो ये कार्डबोर्ड का ही बॉक्स है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोस्ट मिलेंगे, और साथ में ब्रेड्स हैं, बंस हैं, ये देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो टोस्ट है उसका प्राइस है 300 फील्स, जो कि 60 रुपीज़ का होगा इंडियन प्राइस। फर्स हो गए और लेस हो गए, कुरकुरे हो गए, ये सब थोड़े से एक्सपेंसिव है। जैसे यहाँ पे लेस का प्राइस मैं बताऊँगी 2.395 फील्स का होगा, जो कि हमको पड़ेगा 440 रुपीज़ इंडियन प्राइस में। अब हम आ गए हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे फुटवेयर दिख रहे हैं। तो फुटवेयर ये पैरागॉन का दिख रहा है 1.25 फील्स का, जो कि होगा 250 रुपीज़ इंडियन प्राइस में पड़ेगा हमको। और यहाँ बहुत सारे यूटेंसिल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक कटोरी दिख रहा है, कटोरी का प्राइस है 400 रुपीज़, और ये हमको इंडियन प्राइस में पड़ेगा 80 रुपीज़ का। इस वाले सेक्शन में है डेकोरेशन का सामान, बर्थडे का पूरा सामान। तो उसमें कैंडल्स दिख रहे हैं, कैंडल्स भी यहाँ पे 300 फील्स का है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 60 रुपीज़ का पड़ेगा हमको। दूसरे सेक्शन में यहाँ पे शोबडीस हैं, क्लॉथ क्लिप्स हैं और ब्रशेस हैं। तो उसमें से ये शोबडीस मैंने देखा, जो कि ये भी हमको पड़ेगा 300 फील्स का, यानी 60 रुपीज़ पर पीस। इसके बाद है अब कपड़े वाले सेक्शन। तो हम ये कपड़े वाले सेक्शन में आ गए, जिसमें बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, और टी शर्ट्स के, पैंट्स के। तो 1.500 फील्स का है, जो कि पैंट्स और लोअर पड़ेंगे हमको वही 300 रुपीज़ का। और शर्ट टी शर्ट्स हैं, जो कि 1.50 फील्स के हैं, जो कि हमको पड़ेगा 210 रुपीज़ का।
हम जा रहे हैं बिलिंग के लिए, तो बस बिलिंग कराएंगे फिर हम जाएंगे घर। नीचे आ गए और नीचे हमने बस वहाँ पे पानी पूरी और आलू चाप समोसे हैं, तो हमने सोचा बस हम पानी पूरी पैक कराए और आ गए, क्योंकि इंडियंस हैं तो पानी पूरी खाने का मन तो करता ही है। तो बस 790 फील्स का ये है और जो इंडियन प्राइस में हमको 158 रुपीज़ तो इसका 6 पीस पड़ा। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लड्डू, मोदक, बूंदी लड्डू ये सब मिलेंगे और चिप्स, आलू चाप, समोसे, कचौरी, मोदक। अभी गणेश चतुर्थी करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमको मोदक देखने को मिला यहाँ पे, जैसे मोदक की वाले हैं ये 5.500 फील्स का, जो कि हमको 1100 रुपीज़ पर केजी पड़ेगा। ऐसे बहुत बहुत सारे अलग अलग हमको मैदा मोदक, बेसन मोदक ये देखने को मिला। और सामान को मैंने अरेंज कर दिया और जो पानी पूरी हमने पैक करा के लाया था बस वही अब हम खा रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा।